नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 में 5 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी है, लेकिन आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को जीतने के इरादे से उतरी आरसीबी की टीम को उस वक्त झटका लगा, अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बेंगलोर की टीम शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 6 विकेट से हार गई और इसी के साथ टूर्नामेंट में उसका अभियान समाप्त हो गया है। बेंगलोर अब तक आईपीएल नहीं जीत पाई है और इस सीजन में भी उसकी हार की कई वजह सामने आई थी। लोग विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर की हार की वजह उसके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगले सीजन में ये खिलाड़ी शायद ही इस टीम से खेलते हुए नजर आए। पहले खिलाड़ी है शिवम दुबे। बेंगलोर की टीम के युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे पर पूरा भरोसा जताया था और वो पिछले 2 सीजन से टीम में खेल रहे हैं। इस ऑलराउंडर को लगातार मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन दुबे का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। बल्लेबाजी में दुबे ने 9 पारियों में महज 18.42 की औसत से 129 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में ये खिलाड़ी सिर्फ 4 विकेट झटक पाया है। अगले सीजन में दुबे का आरसीबी में खेलना मुश्किल ही नजर आ रहा है। दूसरे खिलाड़ी है डेल स्टेन। डेल स्टेन जब अपने शबाब पर थे तो उन्होंने कई बल्लेबाजों के दांत खट्टे किए थे। अपनी स्विंग और रफ्तार से उन्होंने कई मैच जिताए थे, लेकिन अब इस दिग्गज गेंदबाज की उम्र हो चली है और इसका असर उनके प्रदर्शन पे भी दिखाई दे रहा है। स्टेन ने आईपीएल 2020 में 3 मैचों में महज 1 विकेट लिया था और उनका इकोनॉमी रेट 11 रन प्रति ओवर था। और अगले सीजन में साउथ अफ्रीका का ये दिग्गज गेंदबाज शायद ही आरसीबी के स्क्वाड में नजर आए। तीसरे खिलाड़ी है उमेश यादव। उमेश यादव के पास कहने को रफ्तार और अनुभव है, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों का फायदा आरसीबी को नहीं मिल पा रहा है। उमेश यादव को आईपीएल 2020 में महज 2 मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने 1 भी विकेट हासिल नहीं किया था और यादव ने 11.85 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए थे। अगले सीजन में यादव पर आरसीबी शायद ही दाव खेलती हुई नजर आए। चौथे खिलाड़ी है एरन फिंच। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के T20 और वनडे कप्तान एरन फिंच को छोटे फॉर्मेट का कमाल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन आईपीएल 2020 में ये बल्लेबाज किसी नौसिखिए की तरह खेलता हुआ दिखा। फिंच ने इस सीजन में खेले 12 मैचों में 22.33 की औसत से 268 रन ही बना पाए। उनके बल्ले से महज 1 अर्धशतक निकला। फिंच पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और आरसीबी जरूर अगले सीजन में उन्हें टीम से बाहर करने का विचार कर सकती है। पांचवे खिलाड़ी है गुरकीरत सिंह मान। पंजाब के युवा बल्लेबाज गुरकीरत सिंह को आरसीबी ने 5 मैचों में मौका दिया था, लेकिन ये खिलाड़ी किसी मुकाबले में प्रभावित नहीं कर पाया। गुरकीरत ने 5 पारियां खेली, 71 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट महज 88 का रहा था। गुरकीरत की जगह प्लेइंग 11 में कभी भी पक्की नहीं दिखी। ऐसे में अगले सीजन में उनका आरसीबी में रहना मुश्किल ही समझिए। तो दोस्तों आपके मुताबिक किस खिलाड़ी को रिलीज करना चाहिए आरसीबी की टीम से, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी आईपीएल की खबरें लेकर आता रहता हूँ।